ये है बिगिनर्स के लिए 15 मिनट का डेली योगा रूटीन। इस मुश्किल घड़ी में आइए योग सीखने के उच्चतम उद्देश्य की ओर फोकस करते हैं। अगर आपने कभी भी योग आसन और प्राणायाम का अभ्यास नहीं किया तो आप इस वीडियो से शुरुआत कर सकते हैं। इधर उधर की नेगेटिव बातों पर ध्यान देने की बजाय आइए अपनी ऊर्जा को योग की तरफ आकर्षित करते हैं, जिससे हमारी बॉडी हेल्दी होगी और मन शांत। ये वीडियो है इन एसोसिएशन विद मामा अर्थ का नरिशिंग बॉडी वॉश फॉर बेबीज। करेंगे इसके बारे में बात बाद में, फिलहाल शुरू करते हैं। और हाँ, ये वीडियो देखने के लिए नहीं बल्कि करने के लिए, आ जाओ तो फिर साथ में करते हैं। हर रोज सुबह उठने के बाद पानी पिएं, फ्रेश हो जाएं और रेडी हो जाएं बिना कुछ खाए योगा करने के लिए कहीं खुली हवा में। आपको बस एक योगा मैट चाहिए और साथ में एक पॉजिटिव माइंडसेट। योगा मैट ऊनी कपड़े का हो तो बेहतर रहेगा, वरना आप कोई टॉवल या बेडशीट भी यूज कर सकते हैं। शरीर में पैदा हुई ऊर्जा अर्थ ना हो, इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। जैसे किसी भी वर्कआउट को स्टार्ट करने से पहले वार्म अप किया जाता है, यहाँ भी हम एक लाइट सा वार्म अप करेंगे। सीधे पूर्व की ओर खड़े हो जाएं। पैरों की उंगलियों से लेकर सर तक बढ़ते हुए हम सभी जॉइंट्स को लुब्रिकेट करेंगे। दाहिने पांव की उंगलियों से शुरू करते हुए 3 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और फिर 3 बार ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं। अब दोनों लेग से बारी बारी 5 किक्स लगाएं, जितना कंफर्टेबली हो सके। इन एक्सरसाइजेस को सूक्ष्म व्यायाम कहा जाता है। अब घुटनों को झुकाएं और उन्हें 5 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और 5 बार ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं। सूक्ष्म व्यायाम से जॉइंट्स में दबी वायु निकल जाती है, जिससे इनमें दर्द नहीं होता। अब कमर को भी ऐसे ही 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं, धीरे धीरे बिना झटका दिए। चेहरे पे एक मुस्कान रखें। बैक की कोई भी प्रॉब्लम के लिए ये व्यायाम बहुत असरदार है। अब हम हाथों के जोड़ों के लिए एक्सरसाइज करेंगे। अक्सर हम बड़े बड़े मसल ग्रुप्स की एक्सरसाइज करते रहते हैं, छोटे मसल्स कहीं मिस हो जाते हैं। इस एक्सरसाइज से पकड़ने की शक्ति मजबूत होती है और टेनिस एल्बो जैसी प्रॉब्लम्स में भी रिलीफ मिलता है। आराम से और पूरे ध्यान से कीजिए। कंधों की तरफ पढ़ते हैं। अपने दोनों हाथों को इस तरह से रखें और फिर बाहर की तरफ स्ट्रेच करें। 5 बार साइड की ओर और फिर 5 बार सामने। सर्वाइकल प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। गर्दन पे आते हैं, घुमाएं पहले बाएं फिर दाएं, ऊपर और नीचे। अब गर्दन को बड़े आराम से 3 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और 3 बार ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं। ध्यान से, झटका ना लगे, धीरे करें। आपकी पूरी बॉडी से टेंशन दूर हो रही है, आप रिलैक्स हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही आंखों को घुमाएं, दाएं बाएं ऊपर नीचे, फिर 3 बार एंटी क्लॉकवाइज और 3 बार ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं। सो ये थे हमारे सूक्ष्म व्यायाम। जितने आसान हैं उतने ही इफेक्टिव भी हैं पूरी बॉडी में रक्त का प्रवाह बढ़ाने के लिए। आइए अब सूर्य नमस्कार करते हैं। 12 आसनों के संयोजन से बनी ये सूरज की ऊर्जा को अपने भीतर स्थापित करने के लिए एक शक्तिशाली योगिक क्रिया है। सूर्य की तरफ चलते हुए अपने मैट के किनारे तक आ जाएं, हाथ अंजलि मुद्रा में। गहरी सांस भरें, हाथों को ऊपर करते हुए पीछे की ओर झुकिए। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुककर हाथों को नीचे टच करने की कोशिश करें जितना हो सके। फिर सांस लेते हुए अपनी बाईं टांग को पीछे की ओर स्ट्रेच करें। पंजों को दबाते हुए गर्दन को ऊपर की ओर करें। अब दाईं टांग को भी पीछे की ओर ले जाएं। बॉडी ऊपर करें और आंखें नाभि की ओर। अब घुटनों को जमीन पे लाएं, ठोड़ी और छाती को भी जमीन पे टच करवा दें। अब सांस लेते हुए धीरे से आगे बढ़ेंगे, छाती ऊपर भुजंगासन में।
सांस छोड़ते हुए बॉडी को एक बार फिर से पर्वत आसन में लाएंगे। सांस भरते हुए इस बार बाएं पैर को आगे लाएं, गर्दन ऊपर की ओर। सांस छोड़ते हुए दाईं टांग को भी आगे लाएं, फिर गहरी सांस लेते हुए हाथों को ऊपर पीछे झुकते हुए। सांस बाहर, बॉडी सीधी, हाथों को साइड की तरफ से नीचे। विश्राम। शरीर में जो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है उसके प्रति सजग हो जाएं। अब आराम से लेट जाएं। प्राणायाम की ओर बढ़ने से पहले हम तीन महत्वपूर्ण आसन करेंगे। पहला है पवन मुक्तासन। हाथों को सीधा रखें, हथेलियां आसमान की ओर, दोनों टांगे पास में। पहले दाएं घुटने को मोड़ते हुए छाती की ओर लाएं, उंगलियों से इस तरह से लॉक कर लें। सांस भरें और छोड़ते हुए गर्दन को उठाएं और पहले नाक से और फिर ठोड़ी से घुटने को टच करें। कुछ सेकंड होल्ड करें, फिर धीरे धीरे अपना सर, हाथ और टांग को रिलीज कर दें। अब बिल्कुल इसी तरह से ही बाई टांग के साथ करेंगे, चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान रखते हुए। पवन मुक्तासन, जैसा कि इसका नाम है, पेट की एक्सेस वायु को बाहर निकालता है, जिसकी वजह से ये गैस और कब्ज जैसी प्रॉब्लम के लिए बहुत इफेक्टिव है। इस बार दोनों घुटनों को मोड़ें, छाती की ओर लाएं, हाथों से पिंडलियों को दबाते हुए उंगलियां इंटरलॉक कर लें। सांस लें और छोड़ते हुए अपनी गर्दन उठाएं, पहले नाक टच करवाएं और फिर ठोड़ी। इस पोजीशन पे होल्ड करें। अब धीरे से अपनी गर्दन, हाथों और टांगों को वापस नीचे ले जाएं। विश्राम करें। अगला है मरकट आसन। अपने दोनों घुटनों को मोड़कर हिप्स के पास ले आएं। अब दोनों हाथों को कंधे की सीध में इस तरह से फैला लें। अब दोनों घुटनों को दाईं ओर झुकाएं। वहीं गर्दन को बाईं ओर मोड़ें। कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करें। नॉर्मली ब्रीथ करें और बैक मसल्स में हो रही टेंशन रिलीज को महसूस करें। अब धीरे से पहली वाली पोजीशन पे आ जाएं। इस बार घुटनों को बाईं ओर झुकाएं, जबकि गर्दन को दाईं ओर मोड़ें। थोड़ी देर होल्ड करें। कितना भी पुराना बैक पेन क्यों ना हो, ये आसन असरदार है। अब फिर से पुरानी पोजीशन पे आ जाएं। घुटनों को सीधा करके नीचे ले जाएं और विश्राम करें। आइए अब करते हैं नौकासन। पेट की चर्बी कम करने के लिए ये आसन खास है। हाथों को सीधा रखें, हथेलियां जमीन की ओर। एक गहरी सांस अंदर और छोड़ते हुए अपनी टांगों को उठा लें। अब हाथों को पैरों की ओर इस तरह से बढ़ाएं। पेट के मसल्स में बढ़ रहे तनाव को महसूस करें। कोशिश करें कि बॉडी का पूरा वेट आपके हिप्स पे ही हो। कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करें। सांस छोड़ते हुए बॉडी को वापस स्टार्टिंग पोजीशन पे ले जाएं और विश्राम करें। सो ये थे तीन योगिक आसन जो आजकल के आधुनिक लाइफस्टाइल में बहुत हेल्पफुल हैं। आइए अब प्राणायाम करते हैं। बैठ जाइए। सुखासन, अर्ध सिद्धासन, सिद्धासन, पद्मासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल महसूस करें। रीढ़ की हड्डी और गर्दन को सीधी रखें। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। स्टार्ट करेंगे तीन बार ओम के उच्चारण से। आंखें बंद, ध्यान दोनों आईब्रोज के बीच में केंद्रित करते हुए एक गहरी श्वास अंदर और बाहर छोड़ते हुए ओम। किसी विशेष धर्म से संबंधित ध्वनि नहीं है, वेदों में इसे उद्गीत कहा गया है, ब्रह्मांड की ध्वनि। ओम अनहद नाद है जो हर एक व्यक्ति के भीतर
और इस पूरे ब्रह्मांड में सतत ही गूंजता है। ओम का उच्चारण करने से आसपास की सारी नकारात्मकता सकारात्मकता में परिवर्तित हो जाती है। महसूस करें और अपनी ईगो को बह जाने दें। आइए अब भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। बॉडी सीधी, एक गहरी सांस भरें और फिर बाहर छोड़ें। फिर एक लंबी सांस भरें और बाहर छोड़ें। एक मिनट के लिए करेंगे। मुंह से ना तो सांस लेना है और ना ही छोड़ना है। हर एक श्वास लेते हुए ये महसूस करें कि बॉडी में पॉजिटिविटी बढ़ रही है और सांस छोड़ते हुए बॉडी से सारी नेगेटिविटी निकल रही है। ध्यान दोनों आईब्रोज के बीच में अग्नि चक्र पे केंद्रित रखें। जैसे लोहार लोहे को पिघालते हैं, उसी तरह से भस्त्रिका से प्राण शक्ति के माध्यम से स्थूल और सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। भस्त्रिका रेगुलरली करने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होने लगता है और धीरे धीरे मन की दबी पुरानी गांठें खुलने लगती हैं। अब करेंगे कपालभाति। आंखें बंद ही रखें, बॉडी सीधी। बस एक बार गहरी सांस लें और फिर लगातार सांस छोड़ते ही जाएं। 2 मिनट के लिए करेंगे। अगर बीच में थक जाएं तो कुछ सेकेंड्स रुकें और फिर शुरू कर दें कंफर्टेबली बिना किसी तनाव के। कपालभाति बना है संस्कृत के 2 शब्दों से, कपाल यानी खोपड़ी और भाति यानी चमकना। योग प्राणायाम में कपालभाति को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। श्वास लगातार छोड़ने पर ही ध्यान दें। 2 सांस छोड़ने के बीच में प्राण शक्ति खुद ब खुद अंदर चली जाती है। जैसे 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, शुरुआत में 1 मिनट में 60 बार सांस छोड़ना काफ़ी है। आप धीरे धीरे 70-80 तक बढ़ा सकते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से, पूरी एकाग्रता से ध्यान को पेट की ओर केंद्रित रखें। योग प्राणायाम का बहुत फायदा होता है जब एक पॉजिटिव माइंडसेट से किया जाए, ये फील करते हुए कि शरीर में ऊर्जा का संचार हो रहा है, शरीर की सूक्ष्म नसें खुल रही हैं, साफ हो रही हैं, भीतर के सभी अंगों की एक्सरसाइज हो रही है, आपका हार्ट बेहतर वर्क कर रहा है, पूरा शरीर ही शुद्ध हो रहा है। आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम क्यों ना हो रही हो, रोज कपालभाति करने से उसमें जरूर फायदा होगा। अब अग्निसार करेंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर लें, फिर पूरा छोड़ें और अंत में पेट को इस तरह से हिलाएं जितनी बार हो सके। शुरुआत में 10 बार भी पेट हिले तो काफ़ी है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से बढ़ता ही जाएगा। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए ये रामबाण है, इसलिए अगर आपको लगता है कि पाचन तंत्र में कुछ गड़बड़ी हो रही है तो अग्निसार बिल्कुल भी मिस ना करें। रोज़ 5 बार करना काफ़ी है। अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। आंखें बंद रखें, बॉडी सीधी। दाहिने अंगूठे से दाई नासिका को बंद कर लें, बाई नासिका से श्वास भरें। अब दाएं अंगूठे को छोड़ते हुए बीच की 2 उंगलियों से बाई नासिका बंद कर लें और श्वास को दाई नासिका से बाहर छोड़ दें। फिर उसी नासिका से सांस भीतर भरें, उंगलियों को हटा लें, दाएं अंगूठे से फिर से दाई नासिका बंद कर लें और बाई नासिका से श्वास को बाहर छोड़ दें। ये है अनुलोम विलोम प्राणायाम का 1 साइकिल। 2 मिनट के लिए करेंगे। कोशिश करें कि जितना गहरा सांस लें उतना ही लंबा छोड़ें भी।
श्वास अंदर तो पॉजिटिविटी अंदर, श्वास बाहर तो नेगेटिविटी बाहर। शरीर या मन में किसी भी तकलीफ की जड़ होती है तीन दोषों का असंतुलन, वात पित्त और कफ का बिगड़ना, और अनुलोम विलोम इस संतुलन को बरकरार रखता है। अनुलोम विलोम करते हुए अपना ध्यान दोनों आईब्रोज के बीच अग्नि चक्र पे केंद्रित रखें। अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन प्राणायाम की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि अनुलोम विलोम करने से हमारी दो महत्वपूर्ण नाड़ियाँ ईडा और पिंगला का शुद्धिकरण होता है। यही दो नाड़ियाँ हमारे भीतर शिव और शक्ति को रिप्रेजेंट करती हैं। अनुलोम विलोम रोज करने से शरीर स्वस्थ हो जाता है और मन शांत। अब आखिर में भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। अंगूठों से कान बंद, उंगलियों से इस तरह से आंखें ढकी हुई, ध्यान आईब्रोज के बीच में। एक गहरी सांस लें और मुंह बंद रखते हुए भीतर ओम का उच्चारण करें 5 बार। सोचिए जैसे आप इस ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक ऊर्जाओं से जुड़े हुए हैं। कल्पना कीजिए जैसे आप एक्सिस पे बैठे हैं और सारी सृष्टि आपके चारों तरफ घूम रही है। ब्रेन के लिए बेहद असरदार ये पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है। तनाव, चिंता, डिप्रेशन, गुस्सा, आप जो भी बोलो, भ्रामरी उसे ठीक करने की क्षमता रखता है। अब अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ें और फिर हल्के हाथों से आंखों पे फेरते हुए उन्हें खोल लें। शवासन में लेट जाएं। आपके शरीर का हर एक अंग आपको धन्यवाद दे रहा है ये योगा सेशन कंप्लीट करने के लिए। खुद से ये वादा करें कि आज मैं पूरा दिन ऐसे ही खुश और शांत रहूँगा। जो भी मुझसे मिलेगा आज वो भी खुश हो जाएगा। आपके भीतर दिव्य शक्ति को मेरा नमन। कल मिलते हैं। नमस्ते। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये योगा सेशन अच्छा लगा होगा। बीच बीच में अगर जरूरत पड़े तो आप रेस्ट ले सकते हैं। योग बिल्कुल कंफर्टेबली होना चाहिए। भले ही ये एक बेसिक रूटीन है लेकिन फिर भी बहुत इफेक्टिव है। 3-4 महीने लगातार करने के बाद आप इसकी ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। सच में आप खुद को धन्यवाद देंगे कि आपने 15 मिनट इस योग सेशन को दिए। बॉडी पहले से एनर्जेटिक और माइंड शांत होने लगेगा। 1 हफ्ते में ही फर्क दिखने लगेगा। वैसे योग कोई शॉर्ट टर्म क्विक फिक्स तो है नहीं, इसे तो अपनी दिनचर्या का ही हिस्सा बना लो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। आप चेक कर सकते हैं मामा अर्थ का डीपली नरिशिंग बॉडी वॉश बेबीज के लिए। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड और हाइपोएलर्जेनिक इस बॉडी वॉश में ना तो सल्फेट्स, ना पैराबेंस, ना EDTAs, ना आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस, ना ही कोई कॉस्मेटिक कलर्स डाले हैं। तभी तो ये बॉडी वॉश कमर्शियल बॉडी वॉशेस की तरह आपके बेबी की स्किन को इरिटेट नहीं करेगा। वैसे तो ये बेबी प्रोडक्ट है लेकिन मेन और वेमेन दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मामा अर्थ ने ना ही इस प्रोडक्ट के सभी इंग्रेडिएंट्स लोकली सोर्स किए हैं, बल्कि ये प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में ही हुई है। मामा अर्थ का सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री डीपली नरिशिंग बॉडी वॉश फॉर बेबीज खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलें जिससे आपको मिलेगा 21% ऑफ। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब आप मेरे काम को ज्वाइन बटन क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। माई नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।